वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन के मेथड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइल और अराइल हैलाइड बाय द एक्शन ऑफ एक्वस एल्कली सॉल्यूशन। तो एक्वस एल्कली सॉल्यूशन के साथ मिलाकर के अल्काइल या अराइल हैलाइड को जब हीट किया जाएगा तो आपके अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है इस रिएक्शन का आर एक्स, दैट इज अल्काइल हैलाइड प्लस एक्वस के ओ एच और एन ए ओ एच को मिलाकर के हीट करने से आपके आर ओ एच, दैट इज अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और साथ में रिस्पेक्टिव मेटल हैलाइड्स रिलीज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल आयोडाइड एक एल्काइल हैलाइड है जो एक्वस एन ओ एच के साथ मिलाकर के हीट करने से कन्वर्ट हो जाएगा इंटू मिथाइल एल्कोहल एन एल्कोहल और साथ में मेटल आयोडाइड डेट इज सोडियम आयोडाइड रिलीज होगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है टू ब्रोमो प्रोपेन प्लस एक्वस के ओ एच जब मिलाकर के हीट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटू टू प्रोपानॉल दैट इज एन एल्कोहल, ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है और साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड रिलीज होगा। ठीक है, और आपका अराइल हैलाइड दैट इज बेंजाइल क्लोराइड प्लस एक्वस को ओ एच मिलाकर के जब इसको हीट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजाइल अल्कोहल और साथ में पोटेशियम क्लोराइड रिलीज होगा। ठीक है, तो अल्काइल और अराइल हैलाइड को जब एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ मिलाकर के हीट किया जाएगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड ईस्टर। तो एल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर के रिडक्शन से भी अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, नंबर वन एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर के प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड दो मोल नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और निकल और प्लैटिनम कैटलिस्ट और ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड जब दो मोल नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैटलिस्ट तो ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू मिथाइल अल्कोहल। उसी तरह से एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा इनटू इथाइल अल्कोहल और बेंजल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये थे एल्डिहाइड जिनके रिडक्शन से आपके प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड कीटोन्स ऑन रिडक्शन आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन रिड्यूस होकर के आपके सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कीटोन है कार्बोनिल कंपाउंड जो दो मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा दैट इज रिड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और निकल और प्लैटिनम और कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर रिडक्शन इनटू अ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसीटोन रिड्यूस हो जाएगा इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सानोन रिड्यूस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनटू साइक्लोहेक्सानॉल। ठीक है, और थर्ड है ईस्टर्स विच ऑन रिडक्शन आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो ईस्टर भी आपके प्राइमरी अल्कोहल देंगे। ठीक है, तो ये ईस्टर का जनरल रिप्रेजेंटेशन है जो फोर मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा रिड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये कन्वर्ट होगा इनटू आपके प्राइमरी अल्कोहल जो दो बनेंगे, दो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो आर है इसमें ये दोनों आर दैट इज अल्काइल ग्रुप और या अराइल ग्रुप वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक अल्काइल एक अराइल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इथाइल इथानोएट एक ईस्टर है जो फोर मोल हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस होगा रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैटलिस्ट और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टू मोल इथानॉल यानी कि दो मोल आपके प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द रिडक्शन ऑफ ईस्टर। थर्ड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजन दैट इज आर एम जी एक्स बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके एल्डिहाइड और कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और आपके इस एडिशन की वजह से तीन तरह के अल्कोहल दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज आर एम जी एक्स जो कार्बोनिल कंपाउंड जो कि आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगा जिसमें फाइनली एसिड हाइड्रोलाइसिस के बाद आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
तो ये जो R है आपका एल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल विथ ग्रिगनार्ड रीजन। तो फॉर्मल डिहाइड आपके ग्रिगनार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है जो फॉर्मल डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये आपका एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जो आफ्टर एसिड हाइड्रोलाइसिस दैट इज आफ्टर द रिएक्शन विथ H3O+ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथाइल अल्कोहल, और साथ में आपका एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा जो है मैग्नीशियम, जिसके साथ हाइड्रोक्साइड और आयोडाइड ग्रुप रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो फर्स्ट आपके फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोपेन वन ऑल या वन प्रोपानॉल, और साथ में आपका रेस्पेक्टिव बाय प्रोडक्ट निकलेगा। सेकेंड इज सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल विद ग्रिगनार्ड रिएजन। तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने भी एल्डिहाइड है वो ग्रिगनार्ड रिएजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस एसिटल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपका एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा जो आफ्टर एसिड हाइड्रोलाइसिस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टू प्रोपानॉल दैट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, और साथ में आपका जो रेस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड और आयोडाइड है वो रिलीज होगा। और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। तो कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल विद ग्रिगनार्ड रिएजन। तो ग्रिगनार्ड रिएजन के साथ जब कीटोन रिएक्ट करेगा तो आपके टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये है आपका ग्रिगनार्ड रिएजन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो कीटोन दैट इज प्रोपानोन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आफ्टर एसिड हाइड्रोलाइसिस ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ टर्शियरी अल्कोहल दैट इज टू मिथाइल टू प्रोपानॉल, और साथ में आपका ये बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा, ठीक है। फोर्थ मेथड इज फ्रॉम एल्कीन बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो जिसमें फर्स्ट है ए विथ 20% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, और डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HG2+, दोनों में से जिस तरह से भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इस रिएजेंट के प्रेजेंस के वजह से आपके एसिमेट्रिक एल्कीन में मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा आपके वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो इथिलीन आपका एक एल्कीन है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ 20% डाइल्यूट H2SO4 एंड HGSO4, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इनटू एन अल्कोहल दैट इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है प्रोपीन। तो ये एक एसिमेट्रिक एल्कीन है, यहाँ पर जो वाटर का एडिशन होगा आपके मार्कोनिकोव रूल के एडिशन के हिसाब से होगा कि OH ग्रुप वहाँ जाएगा जहाँ पर आपका हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आफ्टर एडिशन मार्कोनिकोव एडिशन जो फाइनली आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन फॉर द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एन एल्कीन इज ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिएक्शन दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, जिसे डी मर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए रिएजेंट होगा आपका नंबर वन CH3CO2HG, इनके प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होगा फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ विथ सोडियम बोरोहाइड्रेट दैट इज NaBH4। तो यहाँ पर आपके वाटर का मार्कोनिकोव एडिशन होगा क्योंकि एक एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो एसिमेट्रिक एल्कीन में वाटर का एडिशन होगा एंड मार्कोनिकोव एडिशन के हिसाब से, और फाइनली आफ्टर द रिडक्शन जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका 2-propanol, ठीक है। और थर्ड है आपका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में रिएजेंट है आपका B2H6 और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH- दैट इज, ठीक है, एक बेस के प्रेजेंस में होगा ये। यहाँ आपके जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा एल्कीन में, फाइनली जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका प्रोपेन वन ऑल दैट इज 1-propanol, ठीक है। तो ये तीन तरह से एल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाएंगे और रिस्पेक्टिव अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।